गुड इवनिंग अभी सिंह। आज अपन नया टॉपिक चालू करेंगे, बल्क एनर्जी पावर मोमेंटम एंड कोलिजन। वर्क एनर्जी पावर मोमेंटम एंड कोलिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी क्वेश्चन एग्जाम में इससे मिलेंगे आपको, एक से दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं एग्जाम में इससे। वर्क एनर्जी पावर मोमेंटम एंड कोलिजन, कार्य ऊर्जा शक्ति संवेग एवं संघट। फिजिक्स में वर्क होना तभी माना जाता है जबकि फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट हो। शशि सिंह गुड इवनिंग बेटा, अभिषेक भदौरिया, मनीष, न्यू टॉपिक है आज, नीरज आनंद। वर्क एनर्जी पावर एक से दो क्वेश्चन फिक्स हैं, कार्य ऊर्जा शक्ति संवेग एवं संगत। देखो फिजिक्स में वर्क होना तभी माना जाता है जबकि फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट हो। और साथ में लिखना है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बल इंटू विस्थापन, और विस्थापन किधर? बल की दिशा में। तो W बराबर एफ डी, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है, ये आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, आपने फोर्स लगाया कुलदीप, विनोद दुबे, संजीत मिश्रा, पीयूष शर्मा, अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में ही है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, जैसे आप बैग ट्रॉली बैग होता है, ट्रॉली बैग पर आप फोर्स कैसे लगाते हैं ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी इसके बीच एंगल थीटा हो गया, तो ये कितना हो गया? डी कॉस थीटा। या फोर्स का ये वाला कंपोनेंट देख लो, फोर्स का ये वाला कंपोनेंट देख लो कितना होगा, एफ कॉस थीटा, वर्टिकल एफ साइन थीटा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, एक नया फॉर्मूला बना, फोर्स एफ कॉस थीटा इंटू डी, एफ डी कॉस थीटा। क्या इसको रट लिया जाए? ये तो पहले का ही रटा हुआ है, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। फोर्स का डायमेंशन याद रखना, डिस्प्लेसमेंट एल, हम फोर्स का भी डायमेंशन याद रख लेंगे, हम वर्क का भी डायमेंशन याद रख लेंगे, बल का भी डायमेंशन याद कर लें, ये तो याद है, तो इसको याद कर लें, ये भी याद है, पहले ही बहुत बात हो चुकी है इन पर। अगर थीटा भाई वर्क जीरो कैसे हो सकता है? पेपर में पूछा जाता है वर्क जीरो की कंडीशन, वर्क जीरो की कंडीशन, पहले तो या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए,
विस्थापन जीरो इफ, यदि विस्थापन जीरो तो वर्क जीरो हो जाएगा। पहली बात तो यही है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब क्या है, ये हमने एक वॉल ली, दीवार रिजिड वॉल है, यही दीवार ले लीजिए और हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ये कहीं डिस्प्लेस नहीं हो रहा, हम इस दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं, जीरो। ये पुश कर दो दीवार को, धक्का मार दो, कितना वर्क किया गया, जीरो। तो वर्क कितना हो गया भाई, जीरो हो गया। दीवार को धक्का मारने में कितना वर्क हो गया, जीरो। ऐसा भी तो हो सकता है अगर थीटा 90 हो तो भी वर्क जीरो हो जाएगा, थीटा 90 हो तो भी तो वर्क जीरो हो जाएगा। थीटा 90 का केस देख लो, अगर थीटा 90 हो तो भी वर्क जीरो हो जाएगा, थीटा 90, एफ डी वर्क जीरो। जैसे आपको पता है अर्थ पर सन के द्वारा एक फोर्स लगाया जा रहा है, सन अर्थ द्वारा मून पर लगाया जा रहा है, इस फोर्स का नाम क्या दिया गया, सेंट्रीपिटल। और कुछ घटनाओं में अपन सेंट्रीफ्यूगल का भी जिक्र करते हैं, कुछ घटनाओं में सेंट्रीफ्यूगल का भी जिक्र करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल का भी जिक्र होता है कुछ घटनाओं में, सुडो फोर्स है। हाँ, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, वहां पर भी यही बात हो जाएगी, ये न्यूक्लियस है, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे देगा सेंट्रीपिटल, यहां ग्रेविटेशनल फोर्स दे देगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स या वर्क डन बाय, और ध्यान रखना चक्कर चाहे पूरा हो चाहे अधूरा हो, अगर सर्कल में मुड़ना है, अगर सर्कल में मुड़ना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा, वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल, अभिकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य, अभिकेंद्रीय अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य, कारण पूछते हैं वो, कारण अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य, जीरो। चाहे चक्कर पूरा हो चाहे आधा हो, अगर आप कंप्लीट साइकिल पर जाते हैं या सेमी सर्कल ले लीजिए, ए से बी तक, ए से सी तक, ए से डी तक, तो चाहे चक्कर पूरा हो चाहे आधा हो,
चाहे चक्कर पूरा हो चाहे आधा हो, वर्क जीरो। आधे चक्कर के लिए टेंशन में मत आ जाना शिवम तोमर, आधे चक्कर दे दिया जाए तो टेंशन में मत आ जाना। अब कारण पूछ लेते हैं, कारण तो आप कारण देंगे बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर एक्टिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन। कारण, कारण जरूरी है क्या? कारण भी पूछ लेते हैं। हां, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल सदैव कण की गति के लंबवत लगता है। कैसा लगता है? ये लंबवत लगता है। सब लोग लाइक जरूर करें। तो अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल ये लंबवत लगता है। एफ डी कॉस 90 कितना हो गया? जीरो। तो दो स्थिति में वर्क डन जीरो हो जाता है। आगे आप पढ़ेंगे वर्क का एक और फॉर्मूला, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर हो गया। क्या डब्लू पर वेक्टर लगाए? नहीं। क्या डब्लू पर वेक्टर लगाना चाहेंगे? नहीं लगाना चाहेंगे। वर्क, तो वर्क कैसी क्वांटिटी हो गई? कार्य में कॉस आ रहा है, कॉस कार वर्क स्केलर, स्केल होती है ना, केवल मेजरमेंट होता है। वर्क कैसी राशि है? अदिश राशि। अमन चौहान, इट कैन परपेंडिकुलर। हाँ बिल्कुल, वर्क का में कॉस का साउंड आएगा तो वर्क के जितने भी फॉर्मूले कॉस आएगा। W इज इक्वल टू पी वन माइनस कॉस थीटा, एम बी वन माइनस कॉस थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे वेक्टर लगा हुआ है। एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपने बताया हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, वस्तु किधर जाएगी? अरे ये तो बता दो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। इधर से लगाएंगे तो वस्तु इधर जाएगी, इधर से लगाएंगे तो इधर जाएगी। तो फोर्स में डायरेक्शन के बिना फोर्स अधूरा है। फोर्स के लिए डायरेक्शन बताना जरूरी है। तो W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क में कॉस आ रहा है तो वर्क के फॉर्मूले कॉस में बनेंगे। वर्क कॉस डॉट प्रोडक्ट। धीरज शर्मा, अभी ऑफलाइन शुरू नहीं हो रहा है बेटा, ऑनलाइन जो मजा ऑनलाइन का वो ऑफलाइन में कहां है। तो W इज इक्वल टू एफ डी, वर्क स्केलर, कार्य अदिश। तो वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन फोर्स ये अलग से एक चैप्टर करा देंगे आपको स्केलर और वेक्टर का। हर बार कह देते हैं, कराते तो नहीं, नहीं इस बार नहीं कर, इस बार करा दी, करा ही देंगे, छोड़ेंगे नहीं, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे। कुछ चैप्टर हमेशा छोड़ देते हैं, नहीं इस बार नहीं छोड़ेंगे, इस बार सभी चैप्टर कराएंगे। अरे शिवम तोमर, इन बालकों को जो ऑफलाइन क्लास चाह रहे हैं ये उधम मचाना है और कुछ नहीं करना है। क्लास में जब तक ये उधम नहीं मचाते ना मजा आता कहां है। तो वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, बल इनटू विस्थापन। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? जीरो। एक और बात देखिए, आगे आप एक सिस्टम पढ़ेंगे आइसोकोरिक। वर्क के और फॉर्मूले पढ़े थे पी वन माइनस कॉस थीटा, कॉस का ध्यान रखना। डब्लू बराबर एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, काम की बात समझना, ए से डिवाइड किया
ए से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्या लिख सकते हैं पीवी, डब्ल्यू इज इक्वल टू पीवी, पी प्रेशर दाब और वी वॉल्यूम, क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं पी डेल्टा वी, प्रेशर बढ़ा के अपन ने वॉल्यूम को चेंज कर दिया, पी डेल्टा वी, क्या इसको भी रट ले पी वी, रट लो, रटाते बहुत है, एफ डी जैसे एफ डी रट लिया, फिजिक्स तो समझने का सब्जेक्ट है, पीवी अगर वॉल्यूम में चेंज ना हो, वॉल्यूम में, हाँ ये थर्मोडायनेमिक्स में आएगा तो यहां चर्चा क्यों, यहां थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन, हार्ट भी यही काम कर रहा है अपना हार्ट, ठीक है, तो दिल का भी यही काम होता है, तो पी डेल्टा भी कुछ लीटर ब्लड को पंप करना होता है, पीवी डब्ल्यू बराबर पीवी, अगर वॉल्यूम ही ना बदले, अगर वॉल्यूम ना बदले तो कितना वर्क, जीरो वर्क, अगर वॉल्यूम ना बदले, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट हो, यदि आयतन नियत ये लिख लें, अगर वॉल्यूम ही नहीं बदल रहा, अगर वॉल्यूम क्या कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम ये आगे ये अपन भाव पढ़ेंगे कहां, थर्मोडायनामिक्स में आइसोकोरिक सिस्टम सम आयतनिक प्रक्रम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सब लोग जुड़ जाए वापस से, नहीं आज रुकेंगे नहीं बेटा, क्लास बंद नहीं करेंगे, क्लास चलेगी। हाँ देखिए, बात हो रही थी आइसोकोरिक सिस्टम की, आइसोकोरिक सिस्टम की बात हो रही थी, तो वर्क जीरो, आइसोकोरिक सिस्टम में वर्क कितना होता है तो वर्क जीरो होता है, आइसोकोरिक सिस्टम में सम आयतनिक प्रक्रम में कितना वर्क होता है, जीरो, वॉल्यूम कांस्टेंट वर्क जीरो, अरे वॉल्यूम ही नहीं बदल रहा तो कितना वर्क, जीरो वर्क, आइसोकोरिक सिस्टम मतलब जीरो वर्क, तो वर्क का एक बेसिक फॉर्मूला सीखे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम आपको एक न्यूटन वर्क करना चाह रहे हैं, देखिए कुछ वर्क देख लीजिए, कुछ बेसिक वर्क जो पेपर में ज्यादा आते हैं, सबसे पहले ये देखिए एक बॉक्स है, इसको एच हाइट पर रखाइए, बेटा एक बॉक्स को छत पे रख के आओ, एच हाइट पे रखाइए, कितना वर्क करोगे इस बॉक्स को छत पे रखाइए, ये लीजिए भाई छत पे रखाइए, कितना वर्क करोगे, तो W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, एफ इज इक्वल टू एम ए अगेंस्ट ग्रेविटी,
MGH, MGH, इसको रट लो. दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ. अब आपकी एनर्जी कम हो गई तो इतनी एनर्जी इस बॉक्स के अंदर स्टोर्ड हो गई. दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अब आपको एक जूल वर्क करके बताना है, एक जूल वर्क करके बताना है यह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है. अब आपको बंजूल वर्क करना है. बंजूल, आपने पत्थर को छत पे रख के आए, क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई? पत्थर को छत पे रख के आए, क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई? हाँ बढ़ गई. अपनी एनर्जी कम हुई लेकिन इस बॉक्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ चुकी है. इस बॉक्स की पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बढ़ चुकी है. अब हम आपको एक जूल वर्क करके बता रहे हैं. कीजिए भाई, वन जूल वर्क कीजिए. बंजूल वर्क, हम 100 ग्राम का एक पत्थर ले गए, 100 ग्राम का एक पत्थर और एच ले लिया 1 मीटर, तो लगभग हम वर्क करेंगे कितना बताइए. 100 ग्राम का एक पत्थर, एक बॉक्स है 100 ग्राम का और 1 मीटर हाइट पे रखा है, कितना वर्क करेंगे? 1 मीटर हाइट ले ली, 100 ग्राम वर्क, 100 ग्राम का पत्थर ले लिया, ये बॉक्स का वजन 100 ग्राम ले लिया. आज तुम्हें हम एक जूल वर्क करके बता रहे हैं. MGH, W इज इक्वल टू MGH, W इज इक्वल टू MGH, W इज इक्वल टू MGH. फिर से दिक्कत आ रही है. ग्राम को किलोग्राम में बदल लो. 1 किलोग्राम 1000 ग्राम. जी लगभग 10, एच 1 मीटर. जी लगभग 10 और एच 1 मीटर, कितना वर्क हो गया? 1 जूल. लो भाई 1 जूल वर्क कर दिया, बहुत भारी वर्क कर दिया. जे लो 1 जूल वर्क कर दिया. 100 ग्राम का एक पत्थर या एक बॉक्स 1 मीटर उठा देना. ये 100 ग्राम उठाओ और 1 मीटर पे रख दो. मास को किलोग्राम में लेना. 100 ग्राम का एक पत्थर 1 मीटर हाइट पर ले जाओ, 1 जूल वर्क हो जाएगा. डब्ल्यू बराबर MGH, डब्ल्यू बराबर MGH. वर्क का अर्ग से रिलेशन देखो. वर्ग का अर्ग से रिलेशन देख लो जूल का. एक जूल वर्क कितना होता है? तो बेसिक एक बार पढ़ना ही पड़ता है. आप लोग सोचते रहते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिस करा दें फिर वो याद नहीं रहता, इसलिए एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से बनाना ही पड़ता है. ये लिख लीजिए, वन जूल 10^7 आर. 1 जूल बराबर 10^7 आर. क्या वर्क में कहीं भी टाइम का इंपॉर्टेंस है? नहीं. वर्क में दो ही बातें आ रही है, वेट और हाइट. अगर आप एक हैवी बुक को एक क्वेश्चन पूछते हो, एक हैवी बुक को एक बुक सेल में रखना है, अलमारी में रखना है, आपके द्वारा किया गया वर्क क्या टाइम पर डिपेंड? नहीं. वर्क दो ही चीजों पर डिपेंड है, वेट पर
हाइट पर। वर्क दो ही बातों पर डिपेंड है, वेट पर और हाइट पर। लेकिन जो पावर होती है, शक्ति, इसमें टाइम का इंपॉर्टेंस है। आप मार्केट से दो हीटर लेके आए और आपने देखा एक ने कम टाइम में पानी को बॉईल कर दिया, तो आप क्या कहेंगे, जिसने कम टाइम में पानी को बॉईल किया वो हीटर ज्यादा दमदार है। दर रेट शब्द आ गया, टी से डिवाइड कर दो, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, पावर वर्क है। ज्यादातर अपन मोटर लेके आए, उसकी पावर डब्ल्यू की जगह हमने एमजीएच लिख लिया, एमजीएच वाट बराबर जूल अपॉन सेकेंड, जूल अगर हॉर्स पावर में दे तो 746। पावर में टाइम का रिलेशन है, फिजिक्स में ज्यादातर रिलेशन टाइम के उल्टे ही है। पावर का टाइम से जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी। एक एग्जांपल नोट करें, एफ वेक्टर गिवन है 3i प्लस cj प्लस 2k, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है -4i प्लस 2j प्लस 3k, वर्क डन 6 दिया है, तो c की वैल्यू पूछिए। वर्क डन दिया है 6 जूल, बताइए वर्क में टाइम का कोई मतलब नहीं है। दो व्यक्ति अगर किसी वर्क को करते हैं बताइए, ऑप्शन दे दें 0, 1, 6, 12। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग कर लेते हैं। एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट को डी से, एस से, आर से लिख सकते हैं, तो -12 प्लस 2c प्लस 6 दिया है। सी इक्वल टू 6 आ जाएगा। पोजिशन वेक्टर दिया है R1 वेक्टर इज इक्वल टू 3i, R2 वेक्टर दिया है 14i प्लस 13j प्लस 9k, और फोर्स लगा रहे हैं, पहले डिटेल अध्ययन कर लो फिर प्रैक्टिस करा देंगे, और साथ में भी करा रहे हैं प्रैक्टिस, फोर्स लगा रहे हैं 4i। अभी प्रैक्टिस सेट ना लगाएं, अभी तो डिटेल में पढ़ लें, अभी टाइम है एग्जाम में, प्रत्येक चैप्टर के काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। बताइए वर्क डन, बताइए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तीन से 14 पर डिस्प्लेस हुए, कितना डिस्प्लेस हुए? 11। हंड्रेड जूल। तो ये देखिए, फोर्स डिस्प्लेसमेंट 14 में से 3 गया 11, 13 में से 2 गया 11, 9 में से 6 गया 15। कीजिए सॉल्व। अगला एग्जांपल लिख लीजिए। एज वेक्टर दिया है 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है 2i माइनस j। आंसर बताइए, आंसर बताइए। आई को आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे को जे से। और एक बात और याद रखना, जब टॉर्क कैलकुलेट करते थे टॉर्क, तो टॉर्क को ऐसे कैलकुलेट किया करें, वो वेक्टर था। टॉर्क को इस तरह कैलकुलेट करते हैं, आर क्रॉस है टॉर्क। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी थी। अमन डंडोतिया, आंसर 13 आ रहा है, आदित्य 7 आ रहा है, अलग अलग आंसर क्यों बेटा? डॉट प्रोडक्ट में क्या है? आई को आई से मल्टीप्लाई करो। सेवन आएगा बेटा, प्लस 7 जूल कितना आएगा? प्लस 7 जूल। टॉर्क वेक्टर है, यूनिट सेम है। एक दो और कर लीजिए, एक दो बालकों के गलत हो रहे हैं। ये सिक्सटीन जूल हो जाएगा। एफ वेक्टर लिख लीजिए 6i प्लस 2j माइनस 3k। एस वेक्टर लिख लीजिए 2i माइनस 3j। प्लस एक्स के क्या वर्क डन दिया है? 0।
तरह के क्वेश्चन मैथ्स में भी करते हैं। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन जीरो, तो दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, वही क्वेश्चन है। जीरो ऑप्शन माइनस टू प्लस टू कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए सब लोग, सब लोग सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए प्लस टू आएगा, प्लस टू आएगा। एक वेट लिफ्टर दिया है, वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टर समझते हैं जो भार को उठाए, एक वेट लिफ्टर दिया है जो वेट को उठाए, एक वेट लिफ्टर दिया है जो वेट को उठाए। तीन सौ किलोग्राम को इसको उठाना है, तीन सौ किलोग्राम को उठाना है, दो मीटर तक। दो मीटर तक उठाना है तीन सौ किलोग्राम को। टाइम दिया है दो सेकेंड, दो सेकेंड में पहुंचा दिया या पावर बताइए, शक्ति कैलकुलेट कर दीजिए। भारोत्तोलक बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखा करें वेट लिफ्टर। क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑप्शन दिए 5880 वाट में दे रखे हैं, 1960 बताइए, 44 10। तीन सौ किलोग्राम को उठाना है, पावर बताना है, दो मीटर ले जाना है। कुलदीप लोधी 3000, 3000 तो ऑप्शन में भी नहीं है भाई, सभी ऑप्शन हमने लिख दिए हैं। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। एक वेट लिफ्टर है, वेट को उठाना है, दो सेकंड में उठा दिया दो मीटर हाइट पर, बताइए पावर, बताइए पावर तो बताइए। पावर बताइए, बी आ रहा है। अभी आपको बताया था W अपॉन टी, वर्क में टाइम का मतलब नहीं, लेकिन W बराबर एम जी एच, इसको उठाइए एम जी एच, एम कितना है 300, जी देखिए 1960 9.8 के फॉर्म में आंसर है, तो 9.8 रख लीजिए, 10 रखोगे तो आसपास देखना, दो टी ये थोड़ा देखते रहा करो, बड़ा मल्टीप्लाई है 10 रखने में दिक्कत हो सकती है। दो मीटर हाइट है, दो सेकंड, अच्छा तभी आपका आंसर गलत आ रहा था, इसमें दो मीटर हाइट दी है और तीन सेकंड दिया है। अरे आपकी गलती नहीं है, गलती तो हमारी है, दो मीटर हाइट है, इसको तीन सेकंड कर लो, तभी हम सोच रहे थे हमारे छात्र इतना आसान क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे थे। अरे एच को दो मीटर कर लो, टाइम को तीन सेकंड कर लो, तीन सेकंड दिया तभी आप लोग सही नहीं ला पा रहे थे।
ये देखिए अब आएगा सही जी, क्या जीएम 9.8 रट ले यहां रट लो, क्या 10 रख सकते हैं, 10 से आसपास आएगा आंसर, खत्म खत्म खत्म। गड़बड़ क्या हो रही थी, अरे गलती कर दी, टी बराबर 2 की जगह 3 लिख देते हैं, फिर पूछ रहे हैं गलती क्या कर दी। 1960 बहुत बढ़िया, अमन चौहान, राकेश कुमार, कुलदीप लोधी, सब इंटेलिजेंट, सबको आने लगा समझ में, बहुत बढ़िया, कमाल कर रहे बालक। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आपको पंप खरीद के लाना है भाई, एक पंप खरीद के लाना है जो 200 किलोग्राम वाटर को कहां पर ले जाए, 200 किलोग्राम वाटर को 200 मीटर हाइट तक, 200 मीटर हाइट तक, और कितना टाइम लगाए केवल, कितने टाइम में, टाइम दिया है 10 सेकंड, और इस बार जी दे दिया, जी भी दे दिया, आपकी टेंशन खत्म, जी दे चुके हैं, पावर बताना है, पंप की पावर बताना है, शक्ति फॉर्मूला हम बताएंगे, सॉल्व आप करें, क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है, पावर ऑफ पंप बताएं, पंप की शक्ति, एक बेटा पंप ले आए, पानी ऊपर पहुंचा सके, और टारगेट क्या दिया 10 सेकंड में, कितना पानी पहुंचा रहे हो, 200 किलोग्राम, 10 सेकंड में 200 किलोग्राम पानी पहुंचा रहे हो, ऑप्शन हम देंगे 40 किलोवाट, 80 किलोवाट, 400 किलोवाट, 960 किलोवाट, 60 संजीत मिश्रा एस, सब लोग ये आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, ये तो केवल कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, कोई ढंग के क्वेश्चन करवाओ, अरे पहले थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, एम 200 किलोग्राम, जी 10, एच 200 मीटर, टी 10 है, ये देखिए 4 बार, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अरे 40 किलोवाट कर दो, 40 किलोवाट लिख दीजिए, 40 किलोवाट, चलो अब की बार इंजन दम लगा रहा है, इंजन की पावर देखते हैं, एक इंजन है जो 4500 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और कितनी स्पीड पैदा कर देता है, 2 मीटर पर सेकेंड, पावर पूछा, इनकी लैंग्वेज किस तरह आएगी वो लिख दिया जाएगा, आंसर बताइए, आंसर बता दीजिए, नौ किलोवाट, बहुत बढ़िया, क्या आपको F इंटू बी याद हो चुका है, याद हो चुका है भाई, F इंटू बी याद हो चुका है, नाइन किलोवाट, F इंटू बी याद हो चुका है, 9 किलोवाट, F इंटू बी याद हो चुका है, अब हम उल्टा पूछ रहे हैं, पावर दे देंगे,
पावर दे देंगे, टाइम पूछ लेते हैं, पावर दे देते हैं, पानी पूछ लेते हैं, टाइम पूछ लेते हैं, कितना टाइम लगा। हाँ पावर दे दी इंजन की 10 किलोवाट। बेटा 10 किलोवाट पावर है, क्या कर गया रहा है? 200 किलोग्राम पानी को 200 किलोग्राम पानी दिया है, 40 मीटर ऊपर ले जा बेटा, 40 मीटर ऊपर ले जा रहे हैं। जी दिया 10, टाइम पूछा है कितने टाइम में ऊपर जाएगा इतना पानी, बताओ। बेटा पानी को ऊपर पहुंचाओ, पानी को ऊपर पहुंचाओ, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए और ये सेकंडों में ही आना चाहिए, सेकंडों में हो जाना चाहिए। P इक्वल टू W अपॉन D, किलो हजार कर दो, MGH पानी के लिए लीटर और किलोग्राम बराबर, पानी के लिए लीटर और किलोग्राम बराबर मान लिया करो, 2 लीटर 2 किलोग्राम, 200 लीटर 200 किलोग्राम, कितना ऊपर जा रहे हो? 40, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 सेकेंड, टीज इक्वल टू 8 सेकेंड। अब हम पानी को पूछ रहे हैं कितना पानी पहुंचाओगे, फिर से एक पंप ले आइए खरीद के, एक पंप ले लीजिए, उसकी पावर दी है शक्ति, पंप की पावर दी है, कितनी दी है पंप की पावर भाई? 2 किलोवाट, टाइम दिया 1 मिनट, कितना ऊपर पहुंचाना चाह रहे? 10 मीटर। जी भी 10 दिया, बताइए। एम पूछा गया, एम कितना पानी को पहुंचा दोगे? आंसर लाइए, दो हजार, हजार, 100, 1200, पानी के लिए लीटर और किलोग्राम बराबर। बताइए आंसर, बताइए। कुलदीप लोधी सी आंसर बता रहे हैं, 1200 लीटर पानी के लिए, लीटर और किलोग्राम एक ही बात है, पानी के लिए लीटर और किलोग्राम। शशि सिंह, संजीत मिश्रा, कुलदीप लोधी, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत बना दें, बहुत बढ़िया बना भी पा रहे हैं, अच्छी बात। ये सुपर फास्ट होना चाहिए, किलो हजार, एम जी 10, पानी के लिए लीटर और किलोग्राम एक ही बात है। 1 मिनट, फिजिक्स के क्वेश्चन सेकंडों में करना है, सेकंडों में करना है, पानी के लिए किलोग्राम और लीटर एक ही, फिजिक्स के क्वेश्चन सेकंडों में करना है, फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो सेकंडों में करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एफ वेक्टर दिया है 2i + 3j + 4k, न्यूटन,
बी वेक्टर दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है 3i + 4j + 5k, 3i के मीटर, टाइम दिया है 4 सेकेंड, टाइम दिया है 4 सेकेंड, पावर पूछा है, बताइए ऑप्शन तो लिखिए, ऑप्शन तो लिखिए, और सभी स्टूडेंट चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर दिन 8-10 लड़कों को जोड़ा करो। कम सब्सक्राइबर हैं तो लोगों को डाउट रहता है, पता नहीं कैसा पढ़ाते होंगे। नवीन जैन बालक बताइए आंसर लाइए, इसका आंसर लाइए। गोविंद बघेल 9.5। तो P इज इक्वल टू, आप बेसिक फॉर्मूला तो जानते ही हैं, W/T, W की जगह F वेक्टर डॉट D वेक्टर, सब लोग सॉल्व कर दें, W की जगह F वेक्टर डॉट D वेक्टर कर दें, W की जगह F वेक्टर डॉट D वेक्टर। ये देखिए कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड। ठीक है, तो आज की बात अपन यहीं तक रखेंगे, शेष बात कल होगी। ठीक है, तो चैनल से सब लोगों को जोड़िए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर पूरे वीडियो देखे जाएं और प्रैक्टिस की जाए, 18 से 20 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, नितिन सिंह भदौरिया, PFT कब तक होगा सर जी? अभी बेटा अगस्त में ही होगा आप तो, धन्यवाद। शाम को बेटा नवीन 8 बजे से 9 बजे तक क्लास होती है, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक। ठीक है बालक, गुड नाइट। अमन, कुलदीप, अभिषेक भदौरिया, नवीन, ओके गुड नाइट। P = W/T, पावर में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है।